हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। सो विल बी डूइंग सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम, एक और स्कीम यहां पर आज कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जितने भी स्कीम्स कर रहे हैं, खैर इंपॉर्टेंट स्कीम्स ही कर रहे हैं एंड पेपर के अंदर आपको इवेंचुअली बहुत हेल्प मिलेगी। जब आपका पेपर होगा ना, तब आपको इन वीडियोज की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। मुझे बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर्सनली कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर वीडियोज लंबी बनाओ। देखो अल्टीमेटली लंबी और छोटी से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? कंटेंट तुम्हारा कवर होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस वो हेल्प नहीं करती हैं। वो आपको अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी है, भी देखो ना ये सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम में इंडिविजुअल स्कीम की आपको वीडियो मिल रही है। तो जो स्कीम रिवाइज करनी होगी आप उसका पीडीएफ खोल सकते हो, अगर आपने पीडीएफ के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है? या फिर आप अगर वीडियो से देखना चाहते हो तो वीडियो से देखना भी कितना ईज हो गया ना, कि आपको सिर्फ वही वाली स्कीम खोलनी है सीधा। तो वो एक पर्पज है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड पीडीएफ फाइल्स का आप सब जानते हो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से यू कैन गेट द पीडीएफ फाइल्स एज वेल। एंड एमसीक्यू कोर्सेज हैं बेटा, आईआरएल, सोशल सिक्योरिटी और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, यू कैन परचेज देम एज वेल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट अस स्टार्ट द स्कीम। जो स्कीम आज हम करेंगे दैट इज योर नमस्ते, विच इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि बजट के अंदर भी इसको अलॉटमेंट हुआ है। इस बार का जो 2023-24 का बजट था, तो वो भी देखेंगे कि कितना अलॉटमेंट हुआ है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो बेसिकली आप समझ गए हो, लोगों से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैनुअल स्केवेंजर्स या मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है शुरू किया गया। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से स्कीम को। तो बजट की बात करें तो यूनियन बजट जो 2023-24 का भी हाल ही में आया है, उसमें 100 करोड़ रुपए इस साल के लिए अप्रूव हुए हैं आपके नमस्ते स्कीम के लिए, ओके? एंड बेसिकली इसके अंदर सरकार क्या कह रही है कि हमें 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग करनी है। अभी जो सेप्टिक टैंक्स और सीवर्स को क्लीन करने के लिए सिटीज एंड टाउन्स में मैनुअल स्केवेंजर्स या लोगों को जाना पड़ता है, उसको कम्प्लीटली मैकेनाइज कर दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम जो है इसको इरेडिकेट किया जा सके। एंड ये जो स्कीम है 2023-24 में कोशिश की जाएगी कि सारी की सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें इस स्कीम के अंडर काम जो है वो शुरू हो जाए। नमस्ते स्कीम की बात करें तो 2022 के अंदर ये स्कीम शुरू हुई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ईयर थोड़ा सा याद रखा कीजिए, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी बेस्ड एग्जाम्स के अंदर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इसके अंदर दो मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है बेटा, और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो दो मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अल्टीमेटली एम क्या है कि कैसे जो ये अनसेफ सीवर और सेप्टिक क्लीनिंग, आपने अक्सर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो देखते हो ना कि अ पर्टिकुलर पर्सन डाइड बिकॉज जो सीवर या जो सेप्टिक टैंक है उसकी क्लीनिंग के अंदर देर आर वेरियस हार्मफुल गैसेस इनसाइड, तो अनकॉन्शियस हो गए, अल्टीमेटली इट कैन लीड इनटू डेथ, ठीक है? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब ये स्कीम 2022 में आई थी तो इसके लिए जो टोटल आउटले अप्रूव हुआ था वो था 360 करोड़ रुपीज 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक का। तो इस साल का जो है वो 100 करोड़ है आउट ऑफ दिस 360 करोड़ ओनली, जो टोटल प्लान्ड है कि 360 करोड़ रुपया इस स्कीम के ऊपर खर्च किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जीरो फेटेलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। अभी आप देखते हो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डेथ कॉज जो है तो उसको खत्म करना है ताकि डेथ ना हो। इस वजह से जो सैनिटेशन वर्क है वो स्किल्ड वर्कर्स परफॉर्म करेंगे यूजिंग द मैकेनाइज्ड टेक्निक्स, ताकि इंडिविजुअल डज नॉट हैज टू गो इनसाइड फॉर द क्लीनिंग पर्पस, ओके? नो सैनिटेशन वर्कर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन फेकल मैटर। तो जो ह्यूमन वेस्ट है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए सैनिटेशन वर्कर्स का। सैनिटेशन वर्कर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करेगा, एंड सैनिटेशन एंटरप्राइजेस रन करने में उनको सपोर्ट करेगा। सुपरवाइजरी और मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर के आना है नेशनल, स्टेट और अर्बन लोकल बॉडी यानी कि सिटी लेवल के ऊपर, ताकि जो सेफ सैनिटेशन फ्रेमवर्क है उसका एनफोर्समेंट अच्छे से हो सके। अवेयरनेस इंक्रीज करना है जो सैनिटेशन सर्विस सीकर्स हैं, यानी कि जैसे अगर मेरे को सैनिटेशन सर्विस चाहिए तो मेरे अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना एक पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में। इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सैनिटेशन वर्कर, इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सैनिटेशन सर्विस सीकर, ठीक है?
ताकि हम सर्विस जो है रजिस्टर्ड और स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स से लें। की फीचर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन की बात करती है ये स्कीम क्या बोलती है कि जितने भी सीवर या सेप्टिक टैंक वर्कर्स है ना, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चल रही है उसका बेनिफिट उनको दिया जा सके। अगर अपने पास लिस्ट होगी एक अवेलेबल कि हाँ भाई ये लोग जो है सैनिटेशन वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, तो अपन बेटर एक्शन ले पाएंगे। अगर अपने को वो जानकारी नहीं होगी तो डेफिनेटली बहुत से लोग जो है वो रह जाएंगे। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए, स्किल प्रोवाइड किया जाएगा और सेफ्टी किट्स पीपीई किट्स प्रोवाइड की जाएंगी सेप्टिक टैंक वर्कर्स को। असिस्टेंस टू सेफ्टी डिवाइसेस टू सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट्स, बेसिकली सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी जहां पर अगर कहीं पर सडन सैनिटेशन इशू आ जाता है जो रिस्पॉन्डिंग टीम है, ताकि सेफली उस वेस्ट को मैनेज किया जा सके। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो सेप्टिक टैंक वर्कर्स को, जिनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो इन आइडेंटिफाइड वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर इनको सबको लेकर के आया जाएगा। लाइवलीहुड असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अब अल्टीमेटली जब आप किसी सैनिटेशन वर्कर को बोलते हो या जो सेप्टिक टैंक वर्कर है उसको बोलते हो कि आप ये काम मत करिए, आप ये काम छोड़ दीजिए, तो अल्टीमेटली वो ये बोलेगा कि हमारा घर कैसे चलेगा। तो सरकार कहती है कि घर उसका चलता रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो इस काम से बाहर निकलेगा। तो लाइवलीहुड असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सरकार क्या कह रही है कि देखो हम मैकेनाइजेशन और एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, और इसके अंदर ना जो सैनिटेशन वर्कर मैकेनाइजेशन के लिए जाएगा या एक अपनी एंटरप्राइज खोलेगा जो क्लीनिंग वर्क में ही होगी लेकिन वो मैकेनाइज्ड और स्किल्ड और सेफ तरीके से काम करेगी, तो उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको हम पैसा प्रोवाइड करेंगे कैपिटल की फॉर्म में भी उसका इंडस्ट्री सेट करने के लिए, और अगर वो लोन लेता है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में भी उसको जो है हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सेफ इक्विपमेंट्स परचेज कर सके। उसके बाद इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन, इसके अंदर क्या होगा, सरकार बड़े बड़े कैंपेन्स लगाएगी जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज, नेशनल सफाई कर्मचारी, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और एम क्या होगा कि नमस्ते स्कीम के जो वेरियस बेनिफिट्स हैं उसको स्प्रेड किया जाए, तभी लोगों को पता चलेगा ना कि क्या एडवांटेजेस हैं एंड हाउ दे कैन हेल्प। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स देख लो, जो अभी आपको मैंने बताया ना कि कैपिटल और इंटरेस्ट के अंदर, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट के अंदर सरकार कैसे हेल्प करेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी। जो आपका ये नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, ये लोन्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर सरकार कह रही है कि हम सिर्फ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और वो भी अगर बेनिफिशियरी वुमेन है तो 4% है, और अगर प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर का है तो उसके केस में 6%, जो मार्केट रेट से काफी एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैपिटल में कैसे सब्सिडी सरकार देगी, अगर प्रोजेक्ट जो है वो 5 लाख रुपए तक का है तो सरकार कहती है कि हम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तुमको कैपिटल सब्सिडी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है किसी का, तो 50% कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो 1.5 लाख सरकार है सब्सिडी दे देगी। अगर प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो 5 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो इसमें सरकार क्या कहती है कि एक तो हम तुमको 2.5 लाख रुपए देंगे और 25% ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट देंगे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, देखो इसके अंदर सीधी सी बात क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 10 लाख रुपए है, ठीक है, ये 10 लाख वाले में आ गया ना। अब 10 लाख में सरकार क्या बोल रही है कि एक तो तेरे को 2.5 लाख दे देंगे, ठीक है, एक तो तेरे को 2.5 लाख दे देंगे सीधा सीधा। अब 10 लाख में से 2.5 लाख गया, कितना बचा, 7.5 लाख, तो 7.5 लाख का तेरे को कितना दे देंगे, 25% और दे देंगे 7.5 लाख का, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा याद रखना है कि अप टू 5 लाख है तो 50%, 5 लाख से 15 लाख है तो 50% प्लस 25%, सॉरी 2.5 लाख प्लस 25%, ठीक है। ये छोटे से फैक्ट्स हैं, कई बार यूपीएससी डाल देता है इसीलिए मैंने इनको यहां पर ऐड कर दिया। लास्ट पॉइंट इंप्लीमेंटेशन, तीनों लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट बनेगी जिसका जो हेड होगा वो आपके नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का MD जो होता है वो इसका हेड होगा। स्टेट में होगी स्टेट नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट और सिटी लेवल के ऊपर सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट, ताकि ये देखा जा सके कि हर लेवल के ऊपर स्कीम जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। ओके, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि तीनों लेवल के ऊपर है। एंड विद दिस वी आर डन विद नमस्ते स्कीम एज वेल, शॉर्ट एंड क्रिस्प। फिर भी किसी को कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।